स्पीड कोलाबरेशन, एक बार्टर कोलाबरेशन और एक सोर्सिंग। उन्होंने मुझे एक नोज रिंग फ्री दिया है, जैसे सब्जी लेते तो धनिया फ्री में आता है। तो ये जो दादा बोल रहे की H&M का ही। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार अपनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चैनल ले पुनर बार स्वागत जनाइछो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता चल गया है सौरभ के व्लॉग में, और अगर नहीं पता चला है सो लेट मी टेल यू गाइस, नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है वो है गोवा। कंट्रोल, यस। सो हम नेक्स्ट जा रहे हैं गोवा। हालांकि मैं दो बार जा चुकी हूँ, ये मेरा तीसरी बार होगा, बट देन गोवा के लिए मैं हमेशा ही इतना ही एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज आई लव गोवा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा शॉपिंग करने जा रहे हैं आज, और उसी के बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस व्लॉग में। हम जा रहे हैं बांद्रा लिंकिंग रोड कुछ सामान लेने के लिए गोवा के लिए, जो जो चाहिए होगा। कपड़े मैं नहीं खरीद रही हूँ दिस टाइम बिकॉज आई हैव माई डिज़ाइनर जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भेजती है, लाइक सोर्सिंग कहते हैं उसे। वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। एंड सौरव ऑल्सो गना बाय सम क्लोज, और उसे भी कुछ कुछ चाहिए। तो हम दोनों जा रहे हैं एंड देखते रहिए कि क्या क्या लेते हैं, और बाकी सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, और उसके बाद जो मैं सबसे पहले करूंगी वो है स्किन केयर। कभी भी नेवर नेवर स्किप योर स्किन केयर। आप हैवी मेकअप करो, नॉर्मल मेकअप करो, या फिर मेकअप ना करो, देन ऑल्सो मेक श्योर यू डू योर स्किन केयर प्रॉपरली। सबसे पहले जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये द पावर ऑफ 5 विथ 5% नायसनमाइड सीरम। आई लव प्लम बिकॉज प्लम इज़ ए फ्रेश लाइन ऑफ 100% वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। दैट्स ऑल अबाउट बी गुड टू योर स्किन, बी गुड टू योर सेंसेस, टू अदर्स एंड ऑल्सो टू द एनवायरमेंट। और जो इंग्रेडिएंट इस सीरम में है वो है नायसिनामाइड। नायसिनामाइड हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट क्लियर्स द ब्लेमिशेस, जो भी हमारे फेस पे दाग है वो हटाता है, एंड ऑल्सो ब्राइटन्स द स्किन। और उसके बाद इसमें है राइस वाटर। राइस वाटर हमारे स्किन टेक्सचर को बहुत स्मूथ करता है और स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है। एंड देन ऑल्सो इट हैज एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स। This serum contains 8 out of 9 essential amino acids that body cannot produce. Does an excellent moisture booster. And this is how the product looks like. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी how to use this. So, you'll have to take 2 to 3 drops. Pat the serum into your skin and ensure the serum is fully absorbed before using any other skincare product. This serum is beginner friendly and also suits all skin types. So I absolutely love this serum because it plumps and hydrates your skin, smooths your skin texture, clears the blemishes and brightens the skin tone. मैंने अपना रिव्यू शेयर किया आप लोगों के साथ कि मुझे ये सीरम कैसा लगा। आप लोग भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। यू गाइस कैन गो एंड चेक दिस आउट। यू गाइस कैन आल्सो यूज माय कोड फॉर 10% ऑफ ऑन प्लम्स वेबसाइट। एंड यस, वुड लव टू नो योर फेवरेट प्लम प्रोडक्ट्स, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। आउटफिट है, और क्योंकि बाकी कहीं पे देख पाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। सो ये मैंने लिया है अबनिक से, ये H&M का, ये अबनिक का। ये मैं लेके जा रही हूँ फिटिंग कराने के लिए। फिटिंग नहीं एक्चुअली, ये जो मेरे दो शॉर्ट्स है गोवा में पहनने के लिए, उसका बटन जो है वो निकल गया था शूट में, तो वो बटन लगाने जाना है। सौरभ इज ऑल्सो कॉपिंग मी, उसने भी ग्रीन पहना है मुझे, और बाकी जो मैं रेगुलर पहनती हूँ वही है। सो थैंक यू। और मैं अभी गाड़ी में बैठ गई हूँ। पानी नहीं था, हमने वहाँ पे गाड़ी में पानी दे दिया, ख़त्म हो गया था पानी। और मुझे अभी लिखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि आई एम ए पर्सन जो 2 सेकंड में भूल जाता है। मुझे लगता है कि मुझे भूलने की बीमारी है, पर उससे पहले मैं कुछ दिखाती हूँ। हम ये यहाँ पे लगा रहे फॉर लाइक व्लॉगिंग। देखो हमने कितना कुछ किया आप लोगों के लिए व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि गोवा में
जब हम रोड ट्रिप पे जाएंगे ताकि व्लॉगिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सामने लगा लिया कैमरा ताकि आप लोगों को दिखा पाए सब कुछ। और अभी मैं लिख लूँगी लिस्ट कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि कपड़े नहीं चाहिए, जो भी चाहिए छोटे छोटे छोटा मोटा सामान चाहिए तो मैं वो भूल जाऊँगी। आई नीड एक्सेसरीज लाइक नेक पीस, ईयर रिंग्स, फिर अभी मुझे याद था और अभी मैं भूल गई, अभी शिट क्या था वो, एक पर्स चाहिए मुझे छोटा सा, वो सब मैं लिख लेती हूँ पहले। अभी हम निकल पड़े हैं, यहाँ पे हमें लोकेशन डालना है और गाड़ी में हमने ये सब रखा है हमें भूख जब लगती है तब मदद करने के लिए। सो लेट्स गो टू बांद्रा एंड शॉप फॉर गोवा। गोवा इज ফোনটো ভাঙিলে মোৰ মনটো বেলেগ। বহুত দিনকে বাদ মই হিন্দী বোল ৰ তো হিন্দী কাফি अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को सुन के। मधुर सी आवाज है मेरी और ये आवाज आप लोग बहुत ही जल्दी गोवा के ब्लॉग्स में सुनने वाले, तो स्टे ट्यून्ड। ब्रो खत्म खत्म ब्रो खत्म अब दो खत्म ए पागल एवरी टाइम जा बिग बॉस वन मेडिसिन नो 10 डेज नो टॉकिंग अर्चना एवरी टाइम पहुंच गए हैं बांद्रा हिल रोड। पहले हम बांद्रा लिंक रोड में गए थे पर हमें लगा कि बांद्रा हिल रोड में ज़्यादा ऑप्शन होगा, तो बांद्रा हिल रोड आ गए। सौरभ गया है बाटा में, उसे वॉशरूम जाना था, तो अभी वहाँ से निकल के हम जाते शॉपिंग करने। सौरभ भी ज्वेलरी ले रहा है, उसे भी नया शौक चढ़ा है यू नो रिंग्स गले का पहनने का, तो उसके लिए भी देखने आए एक बार कि लड़कों का कुछ मिलता है क्या अच्छा वाला। क्या मुंह करने गहना लेछु केडल तायरे बर केडल तुम्ही पिनो बेवा है केडल नहीं पिन लाज लगे। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईयरिंग्स की शॉपिंग हो रही है, मतलब ईयरिंग्स का शॉपिंग हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं। अंधेरा भी होने वाला है और हम लोग अभी भी शॉपिंग नहीं है। मैंने 6 ईयर रिंग्स ले लिए तो दादा ने मुझे एक नोज रिंग फ्री दिया। जैसे सब्जी लेते तो धनिया फ्री में आता है, नोज रिंग फ्री में मिला। वेरी नाइस, ये हो गया पे ना। थैंक यू, चलो करोड़पति आदमी है। ओ अच्छा, तो ये जो दादा बोल रहे हैं कि ये H&M का ही यहाँ पे मिल रहा है, ये कितना यहाँ पे आप कितना बोल रहे हो इसका, आप कितना बोल रहे हो? 350। अब H&M में जाके देखूंगी, अगर मुझे यही सेम वाला मिलता है तो मैं यहाँ से आगे लेके जाऊंगी, अगर वहाँ पे महंगा मिलता है। अभी हमने वहाँ से ले लिया जो भी चाहिए था छोटा मोटा सामान, अभी हम थोड़ा क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड्स में जा रहे हैं। और मुझे पर्स भी चाहिए, पर्स थोड़ा अच्छा वाला चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं ट्रेंड्स के अंदर। और सौरभ को भी चाहिए, मेंस वेयर है नहीं यहाँ पे, नहीं चाहिए बेटा। थैंक यू, अभी हम अंदर जाते हैं। सब रिसर्च को हमारा शॉपिंग सब कुछ हो गया, मतलब सौरभ को चाहिए था जो वो सब ट्रेंड्स से ले लिया। और मैंने एक बार ऐसे ही चेक किया रिंग्स एंड ऑल, मतलब आज नहीं लूँगी शायद कभी ले लूँ, तो इसलिए ऐसे ही चेक किया कि प्राइस कैसा है, क्योंकि मुझे मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं पता कि क्या अभी चल रहा है रेट, तो वो सब देख के हम आगे अभी टी विला कैफ़े में बांद्रा जब आते यहीं पे खाते हैं। ये वेज कैफ़े, वेजिटेरियन कैफ़े है पर अच्छा लगता है, यहाँ का पास्ता और मैगी ऑर्डर किया है और शेक, तो वो खाएंगे फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे थोड़ा सा काम भी है, शॉर्ट्स ठीक करवाना है, उसके लिए अगर टेलर मिल जाए मीरा रोड में तो वहाँ पे टेलर के पास भी जाना होगा, पर तब तक हम घर पहुँचे तभी जा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत आवाज़ आती है बाद में, वॉइस समझ में नहीं आता है, तो बाकी की बातें मैं गाड़ी में करूँगी। ये मेरा नटले शेक, ये मैगी और ये उसका पीच मिल रहा है।
आज मेरा चीट डे है गाइस, तो इसीलिए और अभी हमारा सब कुछ हो गया, हमने खा लिया, शॉपिंग कर लिया, अभी हम सीधा जाएंगे घर। और अगर इन केस खुला रहा वहाँ पे जो टेलर का दुकान है, क्योंकि हम पहुँचेंगे 9:30 को, तब तक अगर खुला रहा तो होपफुली रहेगा, 10 बजे तक शायद रहते हैं, तो वो बटन्स लगा मतलब दे देंगे, कल फिर हम लेके आ जाएंगे। दो वो शॉर्ट मुझे चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए। पार्लर तो आज नहीं होगा, पार्लर कल जाऊँगी, बहुत सारा कुछ करना है, और जाने से पहले मेरे बहुत सारे बाकी काम है वो भी ख़त्म करके जाना है, लाइक जिसको रील देना है, जिसको इंटीग्रेशन देना है, बहुत बहुत प्रेशर है दिमाग में, वो सब कंप्लीट करके मैं फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके जाना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी प्रेशर ना हो और मेरे मैनेजर को भी प्रेशर ना हो। तो यही था, और मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि सोर्सिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अभी जैसे कि मैं बैठी हुई कुछ नहीं कर रही हूँ, गाड़ी वो चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ सोर्सिंग क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम जो ब्रांड से सोर्स करते हैं, मतलब जो लेते हैं, एक होता है पेड कोलैबोरेशन, एक बार्टर कोलैबोरेशन और एक सोर्सिंग। तो पेड कोलैबोरेशन तो आप लोगों को समझ में आई गया होगा, जिसमें हमको पे करते एंड वी हैव टू यू नो उनके लिए हमें एड एग्जैक्टली नहीं, वो प्रोडक्ट ट्राई करके या फिर पहन के हमें रील पोस्ट यूट्यूब वीडियो हमें शेयर करना होता है, उस प्रोडक्ट की रिव्यू, बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बोलते हैं मोस्टली तो हम अच्छा ही बोलते हैं, और जो एक दो माइनस पॉइंट होता है वो कभी कभी हम उसके बारे में बोलते हैं। सो दैट इज़ लाइक पेड कोलैबोरेशन, जिसमें आपको पैसा दिया जाता है और उसके बदले में आपको प्रोडक्ट भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, एंड यू टॉक अबाउट इट कैसा है क्या है, वो हो गया पेड कोलैबोरेशन। उसके बाद आता है जो होता है बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन का कैसा होता है कि वो लोग आपको पे नहीं करेंगे, वो लोग आपको सामान देंगे, चीज़ें देंगे, जो प्रोडक्ट है उनका, जो उन्होंने लॉन्च किया है या फिर जिसका वो लोग चाहते हैं प्रमोशन करना, वो प्रोडक्ट आपको भेजेंगे, मतलब क्रिएटर्स को भेजते हैं, क्रिएटर्स उस प्रोडक्ट को ट्राई करके उसका वीडियो बनाते हैं या फिर रिव्यू देते हैं, और उसके लिए उनको सिर्फ वो प्रोडक्ट मिलता है, उसके बदले में पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो वो हो गया बार्टर कोलैबोरेशन, जिसमें पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्ट देते हैं और क्रिएटर्स रिव्यू करते हैं। उसके बाद एक होता है सोर्सिंग, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी हम जा रहे हैं किसी इवेंट पे, तो वहाँ पे एक ड्रेस पहन के जाना है, उस ड्रेस को ख़रीदने के लिए आप मतलब मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 15-20,000 एक अच्छा ड्रेस लेने के लिए। तो आप क्यों खर्चा करोगे सिर्फ एक इवेंट के लिए 15-20,000 आप क्यों खर्चा करोगे, क्योंकि पैसा तो पैर पर उगता नहीं है। तो आजकल ये बहुत सही है कि आजकल ये सब हो गया है कि जो ब्रांड्स होते हैं या फिर कोई पीआर एजेंसीज होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, वो लोग आपको कपड़े जो है अच्छे डिज़ाइनर्स कपड़े आपको देते हैं, एंड यू वेयर इट, आप उसको पहनते हो, आप मतलब वो आपको अच्छे से स्टाइल भी करके देंगे, ड्रेस के साथ एक्सेसरीज आपको दे देंगे, हील्स एंड ऑल, और आपको वो पहनना होता है और पहन के यू नो पिक्चर्स क्लिक करना होता है और रील बना के आप बस उनको एक टैग करके शेयर कर दो इंस्टा पे मोस्टली होता है जस्ट दैट। और वो जो प्रोडक्ट देते हैं, वो जो ड्रेस देते हैं और बाकी जो उसके साथ चीज़ें देते हैं, वो आपको रिटर्न करना होता है इन लाइक 2-3-4 डेज जैसे कन्वीनियंट हो। सो वो होता है सोर्सिंग। तो बेस्ट एक्चुअली मुझे लगता है बेस्ट इसीलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गोवा गई थी, उससे पहले भी मैं जब गोवा गई थी तो मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, और वो अभी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसको बाहर अभी नॉर्मल डेज में उसको नहीं पहन के जा सकते, सो वो वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इस बार मैंने क्या सोचा, तो देयर इज अ स्टाइलिस्ट जिसके साथ मैं बहुत काम करती हूँ, लाइक वी कोलैबोरेट मोस्टली, तो मैं जब शूट भी करती हूँ मैं उनसे ही लेती हूँ, और उनका भी फ़ायदा हो जाता है बिकॉज उनके कपड़े अच्छे से फीचर हो जाते हैं, लाइक आई गिव अ प्रॉपर गुड पिक्चर्स फॉर हर क्लोथ्स। तो इस बार भी मैं वही कर रही हूँ, लाइक देर इज़ अ डिज़ाइनर स्टाइलिंग योर सोल, स्टाइलिस्ट है वो, डिज़ाइनर नहीं है, शी इज़ अ स्टाइलिस्ट। तो वो ब्रांड से कपड़े लेती है, फिर वो मुझे भेजती है, आई विल वेयर देम, आई विल क्लिक पिक्चर्स, आई विल मेक रील्स, एंड देन आई विल
गिव देम रिटर्न, वो सारे कपड़े मैं उनको वापस करूँगी। फिर वो लोग वैसे ही सोर्सिंग करते हैं, मतलब वो बेसिकली होता है सोर्सिंग, और जिसमें क्रिएटर का भी फ़ायदा होता है, एक्ट्रेस का भी फ़ायदा होता है, ब्रांड्स का भी फ़ायदा होता है, और स्टाइलिस्ट उन लोगों का भी फ़ायदा होता है जिसमें उनको भी प्रमोशन मिल रहा है अपने ब्रांड्स का, अपने कपड़ों का, और हमें भी फ़ायदा हो रहा है कि पैसा बच रहा है, बेमतलब का क्यों इतना पैसा खर्च करें। सो दैट इज़ सोर्सिंग, और यही आजकल चल रहा है ब्रांड्स में। आप लोग जितने भी लोग देखोगे कि यू नो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं और बहुत सारे लोग एक्टर्स जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बट आप कभी नहीं देखते हो कि वो लोग रिपीट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली सोर्सिंग होता है। तो वो लोग पहनते हैं और वो लोग वापस कर देते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है भाई इनके पास कितने पैसे, ये लोग रोज़ नए नए कपड़े खरीदते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी डू सोर्सिंग, हम वैसे लेते हैं ब्रांड्स के साथ कोलाब्रेशन करके हम पहनते हैं, क्योंकि फोकट का पैसा वेस्ट करना मुझे नहीं लगता सही बात है। पैसा बचाओ और अच्छे काम पे खर्च करो कपड़े पहनने में, मतलब करो, पर अभी यार इतना भी नहीं कि एक कपड़ा पहन के दोबारा कभी नहीं पहनेंगे, उतना पैसा नहीं है। तो दिस इज़ द लाइक दिस इज़ बेस्ट वे जिससे आपको भी अच्छा लगता है कि आप अलग अलग कपड़े पहनते हो और पैसा भी खर्च नहीं होता है, है ना? है ना? हाँ, लेकिन मुझे नहीं मिलता है। वेरी सून मिल जाएगा। हाँ, बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को, तो अभी चलो हम चलते हैं घर। और अभी इसमें कोई कोई यू नो कमेंट करेगा कि अरे भाड़े के कपड़े पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं। ब्रो, हार्ड वर्क करो, पर उसके साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। वो भाड़े के नहीं होते, वी डू प्रमोशंस फॉर देम। उस प्रमोशंस के लिए भी लोग बहुत बहुत चार्ज करते, पर जिसमें हमें भी ज़रूरत हो और उनको भी ज़रूरत हो, तो ज़रूरत में एक दोनों एक दूसरे के साथ हम खड़े रहते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। आजकल तो क्रिएटर्स एक्टर्स बहुत अच्छे से यू नो नॉर्मल सा वैकेशन पर भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तब भी सोर्सिंग के कपड़े ही पहनते। सो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सब ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं अपने कपड़ों पर, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल कोलाब्रेशंस एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को आगे जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं सब। यही था आज का वीडियो गाइस, आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब शॉपिंग वॉपिंग की बहुत खर्चा नहीं कर रहे हम, थोड़ा सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल। और हाँ, इस बार मैं करूँगी बैक विथ मी टू गोवा और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जाने वाली हूँ। बाय।